एक्स है ना, देखिए आर एक्स क्या होता है, मान लो एक रॉड है ना, एक रॉड है ठीक है, आ रही है ना आवाज, हाँ चलिए देखिए, अब मान लीजिए एक रॉड है ना, अगर आप रॉड का मेजरमेंट करोगे, मेजरमेंट मतलब, मेजरमेंट तो समझते ही होगे, यूनिट एंड डायमेंशन में पता होगा, मेजरमेंट मतलब होता है किसी स्टैंडर्ड स्केल से, किसी स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करना, कंपैरिजन है ना। तो अगर हम रॉड की बात करें, एक रॉड लिया मैंने, मुझे नहीं पता इसका लेंथ क्या है, अगर इसका हम मेजरमेंट करेंगे, तो जब हम मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे, स्केल यूज करेंगे है ना, या फिर वो जो भी आता है टेप, मेजरिंग टेप। तो जब आप मेजरमेंट करते हो, तो जैसे ही मेजरमेंट करोगे तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, मान लो ये है 1.5 मीटर, मेजरमेंट करने के बाद आया है ना। तो ये जो वैल्यू है, क्या ये एक्चुअल वैल्यू है, क्या ये एक्चुअल लेंथ है, ये हमें नहीं पता होता कभी नहीं। तो जब भी आप मेजरमेंट करते हो तो आपको जो वैल्यू मिलता है उसको हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। जब आप मेजरमेंट करते हो तो आपको जो डेटा मिलता है मेजरमेंट से उसको हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू है ना। क्योंकि जब भी आप मेजरमेंट करेंगे, मान लो आपने स्केल यूज किया, स्केल लगाया, तो जब आप स्केल लगाते हो तो होता क्या है कि आप एग्जैक्टली इसको फिट नहीं कर सकते, हो सकता है थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे से मेजरमेंट कर लो, होता ही है, बहुत लोअर लेवल पे होगा, माइक्रोमीटर में होगा, मिलीमीटर में होगा, लेकिन हमारा जो मेजरमेंट होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा है ना। तो कोई भी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होता है, मान के चलना। तो जो आप मेजर करते हो वो क्या कहलाता है, मेजर्ड वैल्यू। अब इसका कुछ ट्रू वैल्यू नहीं होगा, इसका ट्रू लेंथ तो होगा। अब दिक्कत है कि हम जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते समय हम थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, उसके वजह से उसके अंदर एरर्स आने लगता है। तो किसी भी मेजरमेंट का जो मेजर्ड वैल्यू है और इसका जो एक्चुअल लेंथ है, जिसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू, तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यही जो है वो क्या है, एरर। तो एरर बेसिकली क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ any physical quantity, clear है? अरे clear है, error क्या है, true value और measured value का difference है ना। तो errors क्या होगा, error यह है difference between measured value minus true value, आपने क्या measure और उसका क्या एक्चुअल में वैल्यू है ना। अब तो बोलोगे सर एक्चुअल वैल्यू कैसे पता करेंगे, एक्चुअल वैल्यू कैसे पता करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही सब बोल दिया कि जब हम किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं तो हमसे कुछ ना कुछ गलतियां होती है और उसके वजह से उसके साथ एरर्स हमेशा होता है, यानी कि मेजर्ड वैल्यू कभी भी ट्रू वैल्यू नहीं हो सकता है। तो ट्रू वैल्यू का मतलब होता है मोर एप्रोप्रिएट वैल्यू। मोर एप्रोप्रिएट वैल्यू कैसे होगा, जैसे मान लो एक पेन है,
और इसको मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, इसको अगर नंबर ऑफ टाइम्स हम मेजर करें, नंबर ऑफ टाइम्स अगर मेजर करें और उसका एवरेज ले लेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट होगा, है ना। तो एक्चुअल वैल्यू का मतलब होगा यहाँ पे रूट वैल्यू की जब मैं बात करूंगा वो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट होगा, है ना। और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करके। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करोगे उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ, उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी। अगर तुम्हें याद होगा तो अगर तुम प्रैक्टिकल का फाइल बनाते होगे, है ना, तुम्हें याद होगा, तुम्हें बोलता होगा क्या, जब आप एक्सपेरिमेंट करते होगे तो जब आप रीडिंग ले रहे हो तो टेबल में, है ना, मान लो कोई सेटअप के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर स्कूल में किया होगा तो उसमें क्या बोलता था टीचर कि आप उसको तीन चार बार रीडिंग लो, एक ही चीज को तीन चार बार देखो, और हर बार थोड़ा बहुत डिफरेंस आता था ना, और फिर हम उसके बाद क्या करते थे, एवरेज करते थे तो बेसिकली क्यों करते थे, उसका कारण यही था एरर को मिनिमाइज करना, एरर को मिनिमाइज करना। तो एरर्स क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज एरर। अब एरर बहुत सारे टाइप का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव एरर, जीरो एरर, जीरो एरर, जीरो एरर, जीरो एरर टू टाइप होते हैं, पॉजिटिव एरर है, नेगेटिव एरर। अब जीरो एरर क्या है, जीरो एरर के बारे में बाद में बात करेंगे। अगर ऐसे नॉर्मली देखते हैं एरर्स को तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक एरर। डेफिनेशन कुछ नहीं लिखाऊंगा, सब तुम्हें बुक में दिया हुआ है ना। और दूसरा है रैंडम एरर। ठीक है, कांट इट बी ट्रू वैल्यू, क्या बोल रहा है बेटा, साफ साफ बोलना। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर, मैं क्या बोल रहा था, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, हाँ ठीक है। अब जो एरर होता है वो दो टाइप का होता है, सिस्टमैटिक और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक एरर क्या है, रैंडम एरर क्या है। अब जब आप मेजरमेंट करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर जिससे आप मेजर कर रहे हो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट डिफेक्ट होता है। जैसे आप देख लो आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाला मीटर आता है मेजरमेंट के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक वाले मीटर में क्या है कि जब आपने उसके ऊपर कुछ प्लेस नहीं किया मान लो, और तब भी वो कुछ रीडिंग दे रहा है, पहले से वो 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम मेजर कर, है ना, तो इस तरह का जो एरर होगा वो सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। मतलब सिस्टमैटिक एरर जनरली हमें पता होता है और इसलिए सिस्टमैटिक एरर को रिमूव कर सकते हैं आसानी से, सिस्टमैटिक एरर को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। जैसे मान लो पहले के टाइम में क्या होता था कि पहले वो वाला तराजू होता था, तराजू समझते हो ना, तो एक तरफ ज्यादा झुका होता था दूसरा तरफ कम, तो क्या करते थे लोग बैलेंस करने के लिए एक तरफ कुछ पत्थर डालते थे या कुछ मिट्टी डाल के पहले बराबर कर लेते थे उसके बाद मेजरमेंट करते थे ना, तो वहाँ एरर था। अगर पहले आप बैलेंस नहीं करोगे और मेजर करोगे तो कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, कुछ या तो आप ज्यादा किसी को दे दोगे या किसी को कम दे दोगे। तो सिस्टमैटिक एरर मतलब सिस्टम में जो एरर है ना, और इसका जनरली वैल्यू जो हमें है वो पता होता है, ठीक है, जनरली वैल्यू जो है हमें पता होता है, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। पहले के टाइम में ऐसा किया जाता था, वो जो तराजू आता है ना वो हमेशा एक तरफ थोड़ा बहुत ज्यादा झुका होता था, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, उसको बैलेंस के लिए दूसरे साइड में कुछ ना कुछ लोग रख देते थे। अब जब वो बैलेंस होता था तब एक तरफ वेट रखते थे और दूसरी तरफ जो भी सब्जी वब्जी जो भी करना है मेजरमेंट वो कर देते, है ना। तो उस टाइप का जो एरर होगा वो सिस्टमैटिक एरर होगा। तो सिस्टमैटिक एरर जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं और इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। दूसरा है रैंडम एरर। रैंडम का मतलब ये होता है कि रैंडम है, पता ही नहीं है सोर्स ऑफ एरर, हमें पता ही नहीं है कि वो एरर आ कहां से रहा है, इसलिए रैंडम एरर को हम कम कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते। कम करने का तरीका है कि आप जिसका मेजरमेंट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करें, जितना नंबर ऑफ टाइम्स आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और फिर उसका एवरेज लेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आएगा। तो अभी जो मैं एवरेज लेने की बात कर रहा हूँ वो किसके लिए करते हैं, रैंडम एरर के लिए, क्लियर है।
रैंडम एरर का बहुत सारा कारण हो सकता है, फिजिकल कारण हो सकता है ना, फिजिकल कारण मतलब हवा चल रहा है जिसके वजह से, प्रेशर की वजह से, या फिर और भी कोई बहुत सारा कारण हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके हमारे के देखने में गलती हो गई, हमारी वजह से कोई एरर आता है। जैसे आपने देखा होगा कभी क्या होता है, स्केल ऊपर से रखो तो स्केल थोड़ा सा सरफेस से ऊपर होता है और उस पे इस तरह से मार्किंग होता है ना। अब मान लो आपको कोई चीज मेजर करना है, मान लो मेजर करना है तो क्या चाहोगे, इसके सामने वाला ये जो इससे मैच कराओगे। अब जब मैच कराते हो तो मान लो गलती से इधर देख लोगे, इधर से देखोगे तो ये इधर वाले से मैच करेगा, करेगा ना, और इस साइड से अगर आप देखोगे तो इधर वाले साइड से मैच करेगा। ये होता है कि ना, होता है कि नहीं, प्रैक्सियल एरर, अरे होता है ना, तो ये हमारी गलती भी हो सकती है। तो ये सारे क्या इसमें आते हैं, रैंडम एरर में। तो क्लियर है, रैंडम एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, और उसका एक ही तरीका है कि एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स किया जाए, एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स किया जाए। सिस्टमैटिक एरर मतलब सिस्टम में, इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से कोई एरर आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक एरर। क्लियर है, क्लियर है ना? हाँ तो चलिए, एरर लिख देना क्या है, एरर इज डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एरर जो है वो क्या है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस है। अब इसमें दो टाइप से भी क्लासिफाई करते हैं इसको, और भी इसके अंदर भी अलग अलग टाइप आते हैं, लेकिन बेसिकली मेन जो है यही दो है, सिस्टमैटिक और रैंडम। सिस्टमैटिक मतलब इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ गड़बड़ी है उसके वजह से अगर एरर आ रहा है तो उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर का मतलब जिसका हमें कॉज नहीं पता है, हमें सोर्स नहीं पता है कि जो एरर आ रहा है वो कहां से आ रहा है ना, इसलिए रैंडम एरर को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करते हैं, है ना। तो ये हो गया, चलो रैंडम एरर का मिनिमाइज करने का तरीका चलिए देखते हैं। सपोज हेलो, हाँ चलिए, मान लीजिए हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना, और फर्स्ट टाइम जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया मतलब मान लो कोई हम मेजरमेंट कर रहे हैं किसी भी टाइप लेंथ का या किसी भी चीज का, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने मेजरमेंट किया तो सपोज मेरा जो रीडिंग आया वो आया ए1, है ना, ओके धीरे धीरे बोलता हूं यार। मान लिया हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हैं, क्योंकि हमें रैंडम एरर को मिनिमाइज कर, है ना, पहले हम अपनी चीजें का रिलेटिव एरर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मान लो किसी चीज का हम मेजरमेंट कर रहे हैं और जब मैंने पहला टाइम एक्सपेरिमेंट किया उस समय जो रीडिंग आया वो ए1 आया, जब सेकेंड टाइम मैंने किया तो रीडिंग आया ए2, जब मैंने थर्ड टाइम किया तो रीडिंग आया ए3, एंड जब मैंने फोर्थ टाइम किया तो रीडिंग आया A4, और इसी तरीके से जब मैंने nth टाइम एक्सपेरिमेंट किया तो रीडिंग क्या आएगा A10। एक्सपेरिमेंट मतलब मेजरमेंट, मतलब हम किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं, हमने उस मेजरमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स किया। मान लो एक पेन है, इस पेन का लेंथ का मेजरमेंट मैंने नंबर ऑफ टाइम्स किया,
हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंस आया। मान लिया पहला बार जो रीडिंग आया वो आया A1, दूसरे बार A2, तीसरे बार A3 और n टाइम्स कंफर्म किया तो A1। तो लिखिए कंसीडर अ मेजरमेंट इज टेकिंग n टाइम्स, कंसीडर अ मेजरमेंट इज टेकिंग n टाइम्स एंड दे आर रीडिंग एंड द रीडिंग्स आर A1, A2, A3, A4, A8। मैंने क्या बोला, माइक्रो लेवल पे भाई माइक्रोमीटर में गलती करोगे ना, मिलीमीटर में गलती करोगे ना, कुछ ना कुछ तो गलती करोगे ही ना। आप जब मेजरमेंट करते हो, आप जो स्केल यूज करते हो उसमें ज्यादा ज्यादा मिलीमीटर तक होता है। अगर मिलीमीटर के बीच में आ गया तो सपोज रॉड का मेजरमेंट तू कर रहा था और मिलीमीटर के बीच में है तो तुम तो या तो इसको लोगे या तो इसको लोगे ना भाई, क्योंकि बीच में तो तुम्हारा मार्किंग ही नहीं है। तो स्केल जितना ज्यादा ज्यादा मार्किंग होगा स्केल पे वो उतना ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देगा, समझ रहे हो। ये चीज होता है, तो आप मेजरमेंट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा नहीं। हो सकता है कोई दो बराबर ही हो, वो हमें नहीं पता। हमने मान लिया वर्स्ट कंडीशन कि जब मैंने मेजरमेंट किया तो n टाइम्स जब मेजरमेंट किया तो रीडिंग आया A1, A2, A3, A4 और इस तरह से A8। क्लियर है ना। अब ट्रू वैल्यू, ये सारे तो मेजर्ड वैल्यू है। अगर ट्रू वैल्यू की बात करें है ना, तो ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो ट्रू वैल्यू हो जाएगा इन सबका एवरेज। भाई सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करोगे, A1 पे भरोसा नहीं कर सकते, A2 पे भी नहीं कर सकते, तो सबसे ज्यादा भरोसेमंद जो है रिजल्ट वो क्या होगा, इनका एवरेज। सही बोल रहा हूँ, यानी कि उसको हम मान सकते हैं कि वो ट्रू वैल्यू है, मान सकते हैं। एक्चुअली वो भी ट्रू वैल्यू नहीं है लेकिन वो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, तो इसलिए हमने इसको ट्रू वैल्यू मान लिया। क्लियर है ना। तो ये हो गया ट्रू वैल्यू है ना। और यही करते थे तुम एक्सपेरिमेंट में, प्रैक्टिकल फाइल में, जब भी प्रैक्टिकल करते थे तो नंबर ऑफ टाइम्स रीडिंग लेते थे फिर उसका एवरेज निकाल के और उसको रिजल्ट बताते थे। उसका कारण यही था, उसका कारण यही था, हम चाहते थे एरर को मिनिमाइज करना, हम ट्रू वैल्यू के क्लोज पहुंचना चाहते थे है ना। हमारा पर्पस क्या था, ट्रू वैल्यू के क्लोज पहुंचना। अब यहां पे बात करें, अब रीडिंग आया A1, तो A1 - A1 इसको मान लीजिए ये है A एवरेज है ना, ये ट्रू वैल्यू है, A कुल उधर दिख नहीं रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया A। A का मेजरमेंट कर रहे थे तो यही ट्रू वैल्यू कहलाएगा और इसी को हमने बोला A। अगर एवरेज सही नहीं हुआ तो मैं कहां बोल रहा हूँ भाई कि एवरेज सही होगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास जितने भी रिजल्ट हैं उसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट यही है, सबसे ज्यादा भरोसा इसी पे किया जा सकता है। मैं कहां बोल रहा हूँ कि सही है, सही तो कोई नहीं होगा, लेकिन अगर इन सब में से चुनना हो, सबसे ज्यादा भरोसा करना हो तो मैं इससे करूंगा क्योंकि ये सबका एवरेज है, समझे। क्लियर है, यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद है इसलिए मैंने इसको क्या बोला, ट्रू वैल्यू। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रू वैल्यू इससे मिलेगा लेकिन ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट मेजरमेंट हो सकता है आपसे वो यही होगा, वो यही से मिलेगा। अब यहाँ गया ट्रू वैल्यू है, अब मान लीजिए A - A1 अब ये ट्रू वैल्यू है और इसमें से A1 को घटाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे एरर, एरर है ना, तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट एरर।
इन मेजरमेंट फर्स्ट, पहली वाली मेजरमेंट का जो एब्सोल्यूट एरर है वो ये। इसी तरह से इसको बोल सकते हो डेल्टा एरर, है ना। डेल्टा ए टू लिखेगा तो हो जाएगा ए माइनस ए टू, और हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट टू। क्लियर है? अरे दिख रहा है कैसे, वीडियो पॉज रहे, चल रहा है यार। ये है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट फर्स्ट। अब तो मैंने एक्चुअल वैल्यू मेरे को मिल गया ना भाई, तो पहला में कितना एरर हम पता कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो पहले वाले का मेजर्ड वैल्यू क्या था? a1, और ट्रू वैल्यू क्या है? a। तो पहले वाले में जो एरर है उसको हमने बोला डेल्टा a1, और वो क्या है? a माइनस a1। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और मेजरमेंट फर्स्ट, है ना। और डेल्टा a2 क्या हो जाएगा? a माइनस a, अरे a एक्चुअल ट्रू वैल्यू है, एवरेज वैल्यू जो हमने निकाला है, है ना। और इस तरह से डेल्टा a3 लिखेंगे तो a माइनस a3 3, सही है। और डेल्टा a nth एक्सपेरिमेंट में a माइनस an, nth एक्सपेरिमेंट में। क्लियर है? अरे क्लियर है। अब ट्रू वैल्यू तो अपना a आया, ये जो a है वही क्या है? ट्रू वैल्यू। अब डेल्टा a1 क्या है? पहले वाले एरर में एरर। डेल्टा a2 क्या है? सेकंड वाले में एरर। तो इसका भी एरर होगा ना, तो जो एरर आएगा आएगा डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस डेल्टा ए एन अपॉन एन। है ना, ये हो गया हर एक में जो एरर है उसका एवरेज, यानी कि जो रीडिंग आएगा, जो रीडिंग हम लिखेंगे वो रेडिंग होगा a प्लस माइनस डेल्टा a m। इसको डिलीट करते हैं डेल्टा a m से, और इसको पढ़ते हैं एब्सोल्यूट मीन एरर, सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये क्या है? एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ईच एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? तो ये आ गया ए। अब जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए प्लस माइनस डेल्टा एम। ए क्या है? ट्रू वैल्यू। यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपने जो एक्सपेरिमेंट जो मेजरमेंट किया उसमें क्या है, ए जो है एक्चुअल वैल्यू है जिस पे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन कितना भरोसा किया जा सकता है भाई? तो ये जो डेल्टा एम है ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। मैं बोल रहा हूं कि ए है, जिस चीज का भी मेजरमेंट कर रहा हूं उसका वैल्यू ए है, लेकिन उसमें प्लस माइनस डेल्टा एम, मतलब उसमें एरर हो सकता है कितना का? डेल्टा एम। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब हमने इसका मेजरमेंट किया और आया सपोज 1.5 मीटर, अब इसमें कुछ एरर भी होगा तो मैं पक्का नहीं कि 1.5 मीटर है, लेकिन मैं बोल सकता हूं कि 1.5 तो है ही, इसमें थोड़ा बहुत 0.1 सेंटीमीटर का एरर हो सकता है। तो बेसिकली यहां पे यही बोला जाए, प्लस मतलब ज्यादा भी हो सकता है यार, कम भी हो सकता है, है ना। प्लस मतलब जो हम बता रहे हैं, मतलब a a से डेल्टा m ज्यादा भी हो सकता है और डेल्टा m कम भी हो सकता है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि ट्रू वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू है नहीं,
अगर ट्रू वैल्यू होता तो मुझे एरर बताने की जरूरत नहीं पड़ती, पर मैं एरर ही तो बता रहा हूँ, यही तो है एरर, यही तो बता रहा है कि ए से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है डेल्टा एम और डेल्टा एम कम भी हो सकता है। क्लियर है? अरे बोलो बेटा, क्लियर है क्या? है ना? तो एक तरीका है इसका, एक तरीका है रैंडम एरर को काउंटर करने का, मिनिमाइज करने का, समझ गए? ये तरीका है रैंडम एरर को काउंटर करने का। क्या तरीका है? कि आप चीजों को बार बार मेजर करें और मेजर करने के बाद जो वैल्यू मिले उसका एवरेज ले लें और उसको कुछ टाइम के लिए मान लीजिए कि वही ट्रू वैल्यू है, है ना? अब सबका हर एक एक्सपेरिमेंट का, हर एक मेजरमेंट का फिर एरर लिख लें। हमने क्या किया, हर एक एक्सपेरिमेंट का एरर लिख लिया बाय अज्यूमिंग एवरेज जो है उसको ट्रू वैल्यू मान के, फिर हर एक का जो एब्सोल्यूट एरर आया उसका मीन ले लीजिए। मीन मतलब होता है एवरेज, एवरेज तो उसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब हम बोल सकते हैं कि हमने जो मेजरमेंट किया है उसका बेस्ट रिजल्ट जो है वो ए है। ये है मतलब उसका जो मेजरमेंट है वो ए है और ए में डेल्टा एम का एरर आ सकता है, प्लस एरर और माइनस एरर, ठीक है? अब नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या है भाई? तो रिलेटिव एरर है यह बेटा बेसिकली डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए क्या होता है? रिलेटिव एरर है ना? दिस अपॉन दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। क्लियर है ना? अरे बोलो, अब यहां तक में कोई चीज समझने में दिक्कत आई है तो बोलो। क्लियर हो गया ना? हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? तो ये सब हम लोग रैंडम एरर को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं, है ना? रैंडम एरर को कम करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि रैंडम एरर को हम डिटरमिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें सोर्स नहीं पता है कि वो एरर क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है ना? तो रैंडम एरर हमें पता नहीं होता है, सिस्टमैटिक एरर में हमें पता होता है तो हम उसको डिटरमिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे रैंडम एरर को काउंटर करने का या फिर उसको डिटरमिन करने का, बेस्ट रिजल्ट पे पहुंचने का तरीका यही है कि आप किसी भी मेजरमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स करें। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आप मेजरमेंट करेंगे, हमने तो दो से डिवाइड नहीं करना सर। हाँ, डेल्टा मीन एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा एम जो है वो मीन एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा ए वन है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, डेल्टा ए टू है एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट, एंड सो ऑन, इस तरीके से, है ना? डेल्टा एम है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? अब जैसे लिखिए, एक सवाल लिखिए और इसी को अगर परसेंटेज रिलेटिव एरर लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, है ना? परसेंटेज में लिखना चाहोगे तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे एन से डिवाइड, एवरेज निकालना चाह रहे हैं ना यार। मैंने क्या बोला,
तुमने 10 बार एक्सपेरिमेंट किया, 10 बार डिफरेंट रिजल्ट आया, तुम किसको मानेगा कि सही है, किसको एक्यूरेट मानेगा? कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? नहीं है ना। अरे 10 बार तुमने एक्सपेरिमेंट किया, 10 बार मेजरमेंट किया, मान ले इसके इसके लेंथ का मेजरमेंट 10 टाइम्स किया और 10 टाइम्स डिफरेंट कुछ ना कुछ रिजल्ट आया, तो कौन से मेजरमेंट पे भरोसा करेगा? कोई ऑप्शन नहीं है ना तुम्हारे पास। तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि जो भी मेजरमेंट हमें मिला है उन सबका एवरेज निकाल लें। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? तो जितना टाइम आप मेजर करोगे, जैसे 10 टाइम्स 10 रीडिंग है, तो जो रीडिंग है उसको ऐड करोगे, उसको 10 से डिवाइड करोगे। हमने n टाइम्स मेजर किया था तो n से डिवाइड किया, समझे? हाँ चलो, लिखो। अ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, measured by अरे सेम आ गया, तब भी ऐड कर ले भाई, कुछ भी आए तुम्हें कितना बार करना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है, सेम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय a stopwatch by a stopwatch ठीक है, five times measured by a stopwatch five times, पांच बार measurement किया गया, and reading बार ये सारे सेकंड में है, एक दो तीन चार पांच, फाइव टाइम्स बोला है ना, पांच बार मेजरमेंट किया गया और हर बार कुछ डिफरेंट रीडिंग आया, सेकंड में सारा कुछ है ना, ये रीडिंग आया। Find relative error in measurement of time period. Find relative error in measurement of time period. रीडिंग आपको पता है 5.62, 5.58, 5.60, 5.56 and 5.64। सेकेंड, पांच बार टाइम पीरियड मेजर किया गया, पांच बार डिफरेंट रीडिंग आया है ना, तो रिलेटिव एरर पूछ रहा है मेजरमेंट, टाइम पीरियड के मेजरमेंट कितना रिलेटिव एरर आया, सही है? तो पता है T1 है 5.62, T2 है 5.58, T3 है 5.60, T4 है 5.56, T5 है 5.62, यही है बेटा, है ना। तो जो टाइम पीरियड सबसे भरोसेमंद होगा T
कौन सा होगा इन सबका एवरेज? तो लिखेंगे 5.62 प्लस 5.58 प्लस 5.60 प्लस 5.56 प्लस 5.64 अपॉन किससे डिवाइड करेंगे? 5 नंबर ऑफ टाइम्स जितना मैंने लिखा है। फाइंड रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड। क्लियर है? कितना आया बेटा? कितना आया? 5.6 है ना। देखिए इसमें है भी, हो भी सकता है नहीं हो सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसी को अब क्या मान के चलेंगे कि यही है ट्रू वैल्यू, मतलब मोस्ट क्लोज वैल्यू जो है वो 5.60 है। अब क्या करेंगे? अब अपना काम होगा डेल्टा टी वन कैलकुलेट करना। तो डेल्टा टी वन कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? डेल्टा टी वन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डेल्टा टी वन हो जाएगा टी माइनस टी वन, तो 5.60 माइनस 5.62 यानी कि 0.02 है ना। डेल्टा टी टू टी माइनस टी टू, अरे कितना आएगा? 0.02 सही है। इसी तरह से डेल्टा टी थ्री है ना, डेल्टा टी थ्री कितना आएगा? 0। डेल्टा टी फोर 0.04 सही है, और डेल्टा टी फाइव माइनस में 0.04 है ना। अब डेल्टा टी मीन निकालेंगे है ना, तो मैंने वहां पे भूल गया था मॉड लिखना, मॉड में होता है तो पॉजिटिव वैल्यू से लिखते हैं, तो वहां पे मैंने डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 लिखा था ना, वहां पे मॉड लगा लेना सर। मॉड ऑफ डेल्टा टी3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा टी2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा टी3 टी4 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा टी5 अपॉन 5 है ना बेटा। मॉड में तो वहां पे मैंने मॉड लगाना भूल गया था, डेल्टा ए1 प्लस मॉड डेल्टा ए2 सब में मॉड लगा लेना। क्लियर है? तो सबको ऐड कर लीजिए, तो कितना है? 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.0 प्लस 0.04 प्लस 0.04 5. क्या आएगा बताइए? कितना आया? 0.12। अरे 0.12 कैसे आएगा? 0.012 आया होगा। है ना 0.024 आ रहा है। 4 4 8 10 2 12 अपॉन 5 हाँ सही बोल रहे हो, 24 आएगा। ठीक है, तो अब पता चल गया हमें रीडिंग क्या है भाई। रीडिंग अगर लिखना हो तो रीडिंग क्या लिखोगे? रीडिंग लिखोगे टी कितना है? 5.60, और इसमें एरर आ सकता है कितने का? 0.024 का ए रिजल्ट होगा है ना। आपसे क्या पूछा है? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? 0.024 अपॉन 5.60, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। समझ गए? अरे समझ गए ना।
तो इस तरीके से करना है, बात समझ गए ना। यहाँ पे मॉड भूल गया था मैं लगाना, पीछे लगा लेना याद करके, मैं भूल रहा हूँ। ये सारे मॉड पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू तो वापस नहीं जीरो आ जाएगा। अरे ये मीन लिया ना, अब मीन जब आ गया ट्रू वैल्यू आया, अब ट्रू वैल्यू आया तो इसको ट्रू वैल्यू मान के हम क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर हर एक मेजरमेंट के अंदर। तो पहले वाले मेजरमेंट के अंदर क्या आएगा, लिखा था ना वहां पे देख, डेल्टा ए इक्वल से माइनस ए वन, तो डेल्टा टी वन क्या हो जाएगा, टी माइनस यू वन, डेल्टा टी वन सेकेंड मेजरमेंट में आएगा टी माइनस टी टू, थर्ड में टी माइनस टी थ्री एंड सो ऑन, है ना। अब वो आ गया तो उसका एवरेज ले लिया हमने, तो ये क्या हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर टाइम पीरियड का। तो डेल्टा टी वन प्लस सारे मॉड में पॉजिटिव वैल्यू मतलब लेके एवरेज निकाला, ले आया रीडिंग क्या आया था फाइनली, ट्रू वैल्यू ये था और एरर इतने का हो सकता है प्लस माइनस, मतलब इतना ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, रिलेटिव एरर पता ही है आपको, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, बेटा सब कुछ तो मिटा दिया मुझे क्या लिखा हुआ तो था यार, अरे भी राइट कर लो ना कैलकुलेटर से। चलो आगे चलते हैं, अभी तो रैंडम एरर की बात आई। अब मान लो हम दो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया हमने और दोनों में कुछ एरर है ना, और अगर उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए एरर्स इन केस ऑफ, देखिए एरर इन केस ऑफ एडिशन ऑफ टू, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों लिख लीजिएगा साथ में कर लेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, errors in addition or subtraction of two physical quantity, दो physical quantity है अगर उसको add और subtract करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो मान लो कोई physical quantity है a, है ना, और a में जो error है उसको हमने क्या बोला delta error। मान लो कोई physical quantity है a और ये क्या है भाई, a प्लस माइनस डेल्टा है, ये क्या है ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस डेल्टा है, a के अंदर एरर हो सकता है, ठीक है। मान ले कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है b, उसका ट्रू वैल्यू है b और उसमें एरर हो सकता है प्लस माइनस b का, क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब मान लो अगर हम a प्लस माइनस b कर रहे हैं, a प्लस माइनस b, तुम्हें एक साथ समझ में नहीं आएगा तो पहले a प्लस ले लेते हैं, है ना, फिर a माइनस b अलग से देख लेंगे। तो a प्लस b कर रहे हैं, तो a प्लस b जब करेंगे तो क्या होगा,
प्लस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी आएगा ना बेटा, यानी कि ए प्लस बी जो आएगा वो आएगा ए प्लस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, यानी कि ए प्लस बी जो है उसका ट्रू वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। क्लियर है? अब इस वाले बात इसकी बात करो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो सकता है, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी हो सकता है, माइनस डेल्टा बी हो सकता है और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो सकता है। इसका मतलब ये है, एक एक बार हर एक साइन उठाओ, है ना, एक कुछ भी हो सकता है इन चारों में से कोई भी, लेकिन हम कौन सा उठाएंगे? अगर हम ए प्लस बी लिख रहे हैं तो ए प्लस बी का ट्रू वैल्यू तो हमें पता है कि ए प्लस बी होगा, लेकिन जो प्लस माइनस में हम लिखने वाले हैं वो क्या लिखने वाले हैं, इन तीनों में से कौन सा? सोच के देख, देख। तो जब हम एरर का करते हैं ना, जब एरर का हम मेजरमेंट करते हैं तो हम वर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं, है ना, क्योंकि एरर हमें करेक्ट करना है, तो करेक्ट करना है तो हम एरर का मैक्सिमम वैल्यू लेके चलेंगे, कितना ज्यादा से ज्यादा एरर हो सकता है। समझ रहे हैं बात? क्योंकि एरर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, जैसे बल्ब, बल्ब के अंदर की रेटिंग आता है कि बल्ब जो है वो 230 वोल्ट का है और प्लस माइनस 5 वोल्ट झेल सकता है, तो ये पता होना चाहिए ना, तब तो आप एक रेंज के अंदर वोल्टेज को स्टेबलाइज करके रखोगे। मान लो 230 प्लस माइनस 5 वोल्ट लिखा हुआ है, यानी कि 225 से 235 पे चल सकता है। अब 235 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। तो आपको पहले से पता होना चाहिए ना कितना एरर तक टॉलरेट करेगा, समझ रहे हो, उसको टॉलरेंस पावर बोलते हैं। तो इसी तरह से अगर आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम एरर चाहिए, समझ गए? तो मैक्सिमम एरर क्या आएगा, तो मैक्सिमम एरर इसमें क्या पॉसिबल है कि जैसे मान ले दो, ये दो चीज है ए और बी, सपोज हो क्या सकता है बेटा कि आप ए को ज्यादा मेजर कर लो, एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा कर लो, है ना, और बी को कम कर लो, एक कंडीशन तो ये हो सकता है। दूसरा होता है कि ए को कम किया बी को ज्यादा मेजर कर लिया, तीसरा कंडीशन हो सकता है ए को भी ज्यादा मेजर किया बी को भी ज्यादा मेजर किया, चौथा कंडीशन हो सकता है ए को भी कम मेजर किया बी को भी कम मेजर किया, यही चार पॉसिबल चीज है ना। जब आप मेजरमेंट करोगे दो डिफरेंट चीज को तो क्या हो सकता है कि पहले वाले को एक्चुअल से ज्यादा मेजर किया, दूसरे को भी एक्चुअल से ज्यादा कर लिया, या फिर दोनों को एक्चुअल वैल्यू से कम मेजर कर लिया, या फिर हो सकता है एक को कम किया दूसरे को ज्यादा किया, यही पॉसिबिलिटी है ना। तो वर्स्ट कंडीशन में तुम क्या कर सकते हो? अब तुम्हें पता थोड़े ना होता है कि तुमने ज्यादा मेजर किया है या कम किया है, ये तुम्हें पता ही नहीं है। तो वर्स्ट कंडीशन में तुम क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मान लो तुम एक सेंटीमीटर इसको ज्यादा मेजर कर रहे हो, ज्यादा या कम, जब भी आप मेजरमेंट कर रहे हो सब वो देखो, तो मान लो एक सेंटीमीटर या तो ज्यादा कर ले रहे हो या एक सेंटीमीटर कम कर लो, ज्यादा ज्यादा यही तुम्हारी गलती हो रही है, इसका एक सेंटीमीटर ज्यादा वैल्यू आ जा रहा है या कभी कम आ जा रहा है, बी में भी ऐसा ही हो रहा है। तो ए प्लस बी को जब ऐड करोगे तो ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो, वर्स्ट कंडीशन यही हो सकता है कि आपने ए में भी ज्यादा मेजर कर लिया और बी में भी ज्यादा मेजर कर लिया, दोनों में एक साथ ज्यादा मेजर कर लिया, तो दोनों का वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, इसका एरर प्लस इसका एरर प्लस इसका एरर, यही हो सकता है ना, या फिर हो सकता है दोनों कम कर लिया, तो वर्स्ट कंडीशन में एरर क्या आएगा, दोनों का वापस एडिशन आएगा,
यानी कि हम जो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस वो क्या आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एरर हमेशा मैक्सिमम लेते हैं, मैक्सिमम क्यों लेते हैं वो बात समझ में आई? अरे मैक्सिमम क्यों लेते हैं बात समझ में आई क्या, है ना? क्लियर। अब मान लीजिए a माइनस b करेंगे आप, तो a माइनस b करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा b माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। अरे वापस क्या बनेगा बेटा, a माइनस b और a प्लस माइनस सॉरी डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, यही आएगा ना वापस, यही आएगा। अब सोच के देख इस वाले केस में, अगर मैं बात करूं इस वाले केस में, तो इस वाले में एरर क्या हो जाएगा, a माइनस b, तो a माइनस b प्लस माइनस वापस वही बात है। अब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो a माइनस b तो ठीक है, एरर के बारे में सोच। अब उसमें पहले जो हमने देखा था तो हमने डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बी इसलिए लिखा था क्योंकि ऐसा हो सकता था कि हम दोनों में एक ही साथ ज्यादा मेजर कर लिया, हो सकता था ना। अब सोच के देख, हो सकता है आपने एक में ज्यादा कर लिया और दूसरे में कम किया, तो एक का एरर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना बेटा, और पहले वाले को ज्यादा मेजर किया तो एरर आएगा पॉजिटिव, मतलब एक का पॉजिटिव वैल्यू आएगा दूसरे का नेगेटिव वैल्यू आएगा। और जब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एरर का जो अभी भी है वो क्या होगा, डेल्टा ए डेल्टा बी, है ना। यहां पे हटा दो, आगे प्लस माइनस लिख ही दिया है तो समझ में आई बात। अरे बोल, बात समझ में आई क्या है, एरर हमेशा मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो इसलिए प्लस हो या माइनस हो, ये वाला वैल्यू तो माइनस आएगा लेकिन एरर वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, समझ रहे हैं ना। और क्यों रहेगा, उसका कारण है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम किस टाइम पे कौन सी गलती करने वाले हैं, है ना। और इस वजह से हम मैक्सिमम लेके चलते हैं रेंज, तो मैक्सिमम रेंज एरर का क्या हो सकता है, डेल्टा ए इसमें है डेल्टा बी इसमें है, तो मैक्सिमम एरर हो सकता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, है ना। अब डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ज्यादा हो सकता है या डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कम हो सकता है, इसलिए हमने आगे प्लस माइनस लगा दिया। क्लियर है ना, अरे क्लियर है ना। तो हम इस तरीके से चीजों को देखते हैं, यानी कि एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो ट्रू वैल्यू को चेंज हो जाएगा, जैसे एडिशन में a प्लस दिया आया था ट्रू वैल्यू, सब्ट्रैक्शन में a माइनस दिया है, लेकिन जो एरर आएगा वो दोनों में डेल्टा a प्लस डेल्टा b आएगा। क्लियर है, आज का अध्याय यही था, थैंक यू। क्या रिपीट करना है, माइनस वाला ना, देखो माइनस में क्या बोलता था कि जब आप a माइनस बी करोगे तो ट्रू वैल्यू तो a माइनस बी आएगा, और इधर वाला जो चीज है वो वापस वही बन रहा है प्लस माइनस, है ना। अब आपको उसमें देखना क्या है, आपको देखना है एरर, तो एरर हम हमेशा क्या लेते हैं मैक्सिमम, क्यों लेते हैं उसका कारण बता दिया, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम गलती कहां तक हो सकता है। अगर आपको ज्यादा कम पता होगा तो दिक्कत हो जाएगा, कभी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर मैक्सिमम एरर आपको पता है तो आप उसको अपने अंदर किसी भी चीज को कैलकुलेट करोगे आगे तो उसको कंसिडर करके चलोगे, तो इस वजह से हम एरर को मैक्सिमम वैल्यू पे रखते हैं।
अब पहले वाले में जैसे दोनों में एक्स्ट्रा ऐड कर रहे थे, तो दोनों में जब एक्स्ट्रा ऐड कर रहे थे तो क्या हो रहा था, दोनों ऐड होकर मैक्सिमम बन जा रहा था। अब मान लो कि इस बार जब हम a माइनस b कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा एरर हो गया होगा, एक में मैंने ज्यादा मेजर कर लिया और दूसरे में कम मेजर कर लिया, तो एक का नेगेटिव आएगा एरर और एक का पॉजिटिव आएगा। और जब आप माइनस करेंगे डेल्टा a माइनस डेल्टा b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि वापस एरर क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम चांसेस है। तो हम चांसेस को में क्या करेंगे कि a माइनस b में भी जो मैक्सिमम एरर होगा वो आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। क्लियर है? थैंक यू। Okay.